साथियों, आप लोगों को अपने पीसी की या अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में यदि आपके पास कोई एक अच्छा सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है। लेकिन यदि नहीं है तो हमको वो अलग से लेना पड़ेगा, और उसके लिए हम देखेंगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ऐसे में फ्री में कहाँ से लें? तो मैं कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर का जिक्र करूंगा इस वीडियो में कि हम फ्री के स्क्रीन रिकॉर्डर कहाँ से लें, कौन कौन से ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर हैं, और बिना वाटरमार्क के हम उनको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरु से। बिल्कुल सेफ डाउनलोड करने के लिए आप अपने गूगल में सर्च करें फाइल हिप्पो, ठीक है? फाइल हिप्पो सर्च करेंगे तो यहाँ पे फाइल हिप्पो डॉट कॉम पे इस वेबसाइट पे चले जाएँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे काम के और फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास पॉपुलर में दिखा रहा है, देखो बहुत सारे दिखा रहा है, अवस्त ब्राउज़र भी दिखा रहा है, गूगल क्रोम, ये फ्री यूट्यूब डाउनलोडर, सी क्लीनर, वी एल सी, मीडिया प्लेयर, अडोब एक्रोबेट रीडर, इस तरह के बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। उसमें देखो यहाँ पे है ए पावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, ये भी फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसकी सर्च बार में सर्च करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है? यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर जितने भी होंगे फाइल लिपो के पास वो सारे दिखा देगा, उसमें से कौन सा फ्री है। देखो ए पावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे लिखा है ना, फ्री। ऐसे एक है आइसक्रीम, ए पावर सॉफ्ट का ट्रायल वर्जन यानी कि पेड वर्जन भी है प्रो। यहाँ पे आप जब भी डाउनलोड करें इस ऊपर वाले को भी, तो यहाँ पे ध्यान रखें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो प्रो के लिए आप बाय करें या फ्री वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर है, यहाँ से सिर्फ सिंगल क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और है यहाँ पे अमेजिंग शेयर फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, इसका नाम है फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, पूरा नाम अमेजिंग शेयर फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर। मैंने ये पहले डाउनलोड कर रखे हैं और इंस्टॉल भी कर रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने आइसक्रीम भी यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ए सॉफ्ट भी मैंने इंस्टॉल किया है, और मैंने फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर भी इंस्टॉल किया है, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको समझा सकूँ। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास कमटेसिया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं इसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। फिलहाल मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसी में ही चल रही है। अब मैं इनके फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलाते हैं आइसक्रीम को, ठीक है? हमने आइसक्रीम को ओपन किया, जैसे इस पर डबल क्लिक करके लेके आएंगे तो ये देखो यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट स्क्रीन एरिया। भाई हम कौन सा एरिया सेलेक्ट करें, हमने तो फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है ना, तो फिर भी हम यहाँ पे यूँ क्लिक करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसकी एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें से हमने स्क्रीन एरिया हमने ये सेलेक्ट किया है। अगर हमने फुल स्क्रीन करनी है तो फुल स्क्रीन कर लेंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखो कस्टम स्क्रीन भी है और इसके अलावा फुल स्क्रीन भी है। हम फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो ऑल ओवर पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेने लगेगा। देखो हमारा माउस ज़्यादा चल रहा है पूरी स्क्रीन पर, वहाँ पर माउस का सिर्फ वहाँ पर जूम करके दिखा रहा है नीचे कॉर्नर में। तो हमारा एरिया, हमने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया और एक सिंगल क्लिक से हम इसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट के ऊपर और खटाक से जैसे हमने क्लिक किया जो हमारी स्क्रीन थी उसका शॉट हमको मिल गया स्क्रीनशॉट। इसको किस नाम से आपने सेव करना है वो आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, मैंने 1212 नाम डाल दिया। और ये विंडो अगर आपके पास दोबारा आए तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, या दोबारा आप चेक ना आए तो इसको चेक करके ओके कर दें। तो ये मैंने 1212 के नाम से स्क्रीनशॉट सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। देखो यहाँ पे ये आ गया, ये हमारा स्क्रीनशॉट आ गया। तो आसानी से हम इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन हमने रिकॉर्डिंग किस प्रकार करनी है उसके लिए देखो दो आइकन बनते हैं आपके पास, जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे तो पहला तो आता है हमारे पास स्क्रीनशॉट के लिए, दूसरा आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। हम अब इस वाले को चालू करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही एक तो स्क्रीनशॉट लिया था, एक पहले रिकॉर्डिंग करी थी, एक रिकॉर्डिंग और कर लेते हैं, या फिर इनको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। और वो डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास आ गई थी, ये रही मेरे पास दोनों, इनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन नज़र आएंगे आपको। इस वाले आइकन से तो सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो कैप्चर भी कर सकते हैं। तो हम इस बार क्या करेंगे, हम कैप्चर वीडियो पे क्लिक करेंगे।
और हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। कब? हम फिर से एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे फुल स्क्रीन, और यहाँ पे हम करेंगे इस बार रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक। देख रहे हैं ना, पहले क्या था यहाँ पे कैप्चर स्क्रीनशॉट का था, और अब यहाँ पे रिकॉर्ड का रहा है। हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्ट की भी नज़र आ रही है। अगर आप माउस का यूज़ बीच में नहीं करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए, पॉज करने के लिए, फिर से चालू करने के लिए, तो आप ये शॉर्ट की ध्यान रख सकते हैं इसकी, कि हमने पॉज और रिकॉर्ड करना है तो कौन सी शॉर्ट की यूज़ करें, स्टॉप करना है तो कौन सी शॉर्ट की यूज़ करें। ठीक है, ये आप ध्यान रख लें, और आपको याद हो जाए तो आप इसको डोंट शो भी कर सकते हैं। यदि याद ना रहे, बार बार देखना चाहें, तो इसको खाली छोड़ के ओके कर देंगे। तो अब हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब हम जो भी काम करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने क्लिक किया, या फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम स्क्रीन रिकॉर्डर को रोक के देखते हैं। रोकने के लिए था शॉर्ट की, आपने देखा था क्या थी, मैं भूल गया, कोई नहीं, हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं इसको। इसका नाम देना चाहें, मैं डाल देता हूँ माई रिकॉर्डिंग। ये विंडो मेरे पास उसकी आ रही, चलो हटा दो, माई रिकॉर्डिंग हो गया, और इसको कर दूंगा ओके। तो ये फाइल मेरे पास फिर से सेव होगी डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे दिखा रहा है नोटिफिकेशन, आपकी फाइल का लिंक यहाँ पे, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, 2 MB की फाइल है। और इस स्क्रीन रिकॉर्डर को भी मैं अभी फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। ये रही हमारी रिकॉर्डिंग, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ओके, एग्ज़िट करेंगे। और ये हमारी फाइल, इसको अब चला के देखेंगे। मैं इसको प्ले करता हूँ, तो अब देखिए जो मैंने रिकॉर्ड किया था। अब भी काम करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने क्लिक किया, या फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम स्क्रीन रिकॉर्डर को रोक के देखते हैं। रोकने के लिए था शॉर्ट की, आपने देखा ना क्या थी, मैं भूल गया, कोई नहीं, हम यहाँ से स्टॉप कर देते। देखा आपने, इसमें आराम से क्लियरली साउंड रिकॉर्डिंग आएगी जो आप बोलेंगे, या फिर सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करना चाहें सिस्टम साउंड भी रिकॉर्ड हो सकती है, और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बिना वाटरमार्क के लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम चला के देखते हैं ए पावर सॉफ्ट, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही प्रो वर्जन के लिए परचेज के लिए कह रहा है, हमने परचेज नहीं करना है, हम ट्रायल पे चले जाएंगे अपने फ्री वाले पे। ठीक है, यहाँ भी मैंने पहले एक रिकॉर्डिंग करी हुई है, और रिकॉर्ड करना है तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे चले जाएंगे। यहाँ से हमने फुल स्क्रीन करना है, रीजन ऑडियो करनी है, वेब कैमरा से क्या रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको करूँगा मैं एवेल्यूप पे। तो अब हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, हम जो भी काम करेंगे वो कम्प्लीटली यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और अब हम इस रिकॉर्डिंग को यहाँ से स्टॉप करके देखते हैं। तो यहाँ भी देखिए साउंड का भी है, माइक मैंने क्लोज कर रखा है, माइक चालू कर सकते हैं आप इसमें, बेशक से माइक की रिकॉर्डिंग भी होगी। तो फिलहाल मैं करता हूँ इसको अब स्टॉप, तो हमारी वो रिकॉर्डिंग आ गई यहाँ पे। तो यहाँ से इसको चला के देखें, इसको चलाएंगे अपनी रिकॉर्डिंग को, तो देखिए हमारी रिकॉर्डिंग सही चल रही है। इसी प्रकार से हमारा फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर है वो काम करेगा। देखिए मैंने इसको चलाया है, तो ये यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग के लिए, फिर मर्ज एंड सेवरल कैप्चरिंग स्क्रीन वीडियो इनटू वन फाइल, यानी कि अगर आपने 2 3 4 5 जितनी भी अगर रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है स्क्रीन की, उनको इकट्ठा करना है, मर्ज करना है, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर ट्रिम करना है, कहीं से काटना छाटना है, तो एक छोटी सी वीडियो एडिटिंग का काम भी यहाँ पे हो सकता है, उस रिकॉर्डिंग को हम काट छाट भी सकते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए हमको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, वो हम अपने वीडियो एडिटर में कर लेंगे। हमको सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हम सिर्फ ये यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना पाथ चुन सकते हैं कि हमने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो कहाँ पे सेव हो। फिलहाल ये इसकी डिफ़ॉल्ट इस पाथ में जाएगी, या फिर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ कि मैंने इसको भी डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, ठीक है, और सिलेक्ट फोल्डर, मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है। डेस्कटॉप पे मेरे पास इतना स्पेस भी दिखा रहा है भाई, आपके पास 56 GB स्पेस सी ड्राइव के अंदर है। और हम यहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री यूज़ कर सकते हैं, लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं।
और इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमें लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।